कहा था सरकार दवाई बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी, मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। सोशल मीडिया पर बाबा रामदेव का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें बाबा रामदेव एक पत्रकार से धमकी भरे लहजे में बात करते हैं। बाबा रामदेव से एक पत्रकार ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर सवाल क्या कर लिया, बाबा तो भड़क गए और उस पत्रकार को धमकाने लगे। इस वीडियो में पत्रकार ने सवाल किया कि आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा झल्ला के कहते हैं कि मैंने कहा था पूछ उखाड़ लेगा मेरी। बाबा रामदेव इतने पर ही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि मैं तेरे प्रश्न के जवाब देने का ठेकेदार नहीं हूं। वो कहते हैं कि पहले बयान दिया था, अब नहीं देता, क्या करेगा, चुप हो जा और आप आगे से पूछा तो ठीक नहीं होगा। अरे उस पत्रकार ने तो आपके ही दिए गए बयान पर सवाल किया था। सुनिए पहले बाबा क्या कहा करते थे कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का, तो गैस का सिलेंडर 300-400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वाले को। रामदेव बाबा कांग्रेस सरकार के समय ढिंढोरा पीट पीट कर कहा करते थे कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो देश में पेट्रोल 40 रुपए लीटर और गैस सिलेंडर 300 रुपए का हो जाएगा, देश में महंगाई बेरोजगारी सब खत्म हो जाएगी, काला धन वापस आ जाएगा। बाबा रामदेव ने 2014 में जमकर बीजेपी का प्रचार किया था और आज एक पत्रकार ने उन्हीं के दिए गए बयान पर सवाल क्या कर लिया तो बाबा की तो भाषा ही बदल गई। क्या एक बाबा को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? सवाल तो पूरी बीजेपी सरकार पर ही खड़े होते। कौन भूल सकता है जब 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा ने महंगाई को मुद्दा बनाकर पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। वर्तमान सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे सभी नेता उस समय सड़कों पर सिलेंडर लिए प्रदर्शन कर रहे थे। अरुण जेटली, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह ने इन प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था। ये तस्वीर आप खुद देखिए कि 2014 के लोकसभा चुनावों से कुछ समय पहले की है, जब महंगाई के खिलाफ भाजपा ने सिलेंडर और सब्जियों के साथ धरना दिया था। इस तस्वीर में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली भी नजर आ रहे हैं। जनता महंगाई से त्रस्त है और नेता चुनाव कराने में मस्त हैं। लगातार महंगाई आसमान छू रही है, गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो बनता है, क्योंकि बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि पेट्रोल डीजल और सिलेंडर के दाम आधे कर दिए जाएंगे, लेकिन असल में जनता को मिला क्या? 2012 में प्रधानमंत्री मोदी जब विपक्ष की भूमिका में थे तो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। हमें एक वीडियो मिली जिसे आप लोगों को खुद सुनना चाहिए। फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी, यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे, उन्हें चिंता नहीं है। और उन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। रामदेव बाबा के इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर जमकर शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। #boycottpatanjali भी ट्रेंड कर रहा है। श्याम रंगीला ने ट्वीट करके लिखा है कि बाबा जी महंगाई पर आगे भी मुंह बंद ही रखिएगा, क्योंकि ये नया भारत है, ये आपको सलवार पहनने का मौका नहीं देंगे। विनोद कापड़ी लिखते हैं कि भगवादारी रामदेव बाबा खुद को स्वामी कहता है, बाबा भी कहता है, योग गुरु भी कहता है, पर भाषा सुनिए और धमकी देखिए जरा। सवाल तेल और सिलेंडर की कीमत पर पूछा गया था। पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि यही बाबा जी पहले पेट्रोल 40 रुपए में दिलाने का ठेका ले रहे थे, लोगों ने भरोसा किया, अब कहते हैं ये सवाल दोबारा पूछा तो ठीक नहीं होगा। डॉक्टर राकेश पाठक लिखते हैं कि सन्यासी, ये सज्जन कहां से सन्यासी लगते हैं आचार्य जी, शुद्ध कारोबारी हैं, धंधेबाज पाखंडी, मोहमाया में आखंड डूबे हुए व्यापारी हैं। प्रशांत भूषण लिखते हैं कि बाबा जी आपने बोला था कि मोदी सरकार आने के बाद पेट्रोल 40 रुपए लीटर होगा और अच्छे दिन आएंगे, अब तो पेट्रोल 100 के पार कर गया, अब क्या कहना है बाबा जी? हाँ मैंने बोला था, अब नहीं बोलता, बोलो क्या कर लेगा। बाबा जी ने यह नहीं बोला कि पेट्रोल 100 के ऊपर जाने से कोरोना भाग जाता है। पत्रकार स्वाति मिश्रा लिखती है कि बाबा रामदेव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनाओ 40 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, जब एक पत्रकार ने उन्हें उनकी बात याद दिलाई तो जीवन भर योग करने वाले बाबा भड़क गए, मुझे तो लगता था कि योग का असर तन मन दोनों पर होता होगा। हंसराज मीना ने ट्वीट कर कहा कि 2014 से पहले बाबा रामदेव जोर शोर से भाजपा के लिए प्रचार करते थे, भाजपा को वोट देने और 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पाने का वादा करते थे, आज पेट्रोल 100 के पार है। पत्रकार ने जब सवाल किया तो पत्रकार को धमकी देने लगे, शर्मनाक। आइए बाबा के सभी प्रोडक्ट का बहिष्कार करें,
#boycottpatanjali। एक व्यक्ति ने लिखा कि 2014 से पहले बाबा जोर शोर से भाजपा के लिए प्रचार करते थे और 40 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल देने का वादा करते थे। आज पेट्रोल 100 के पार है, महंगाई चरम पर है। पत्रकार ने जब सवाल किया तो पत्रकार को धमकी देने लगे। इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? सत्ता में आने से पहले किए गए वादों को याद दिलाना क्या गलत है? क्या पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करना फैशन बन गया है? सरकार की नीतियों के सवाल से सत्ता के पक्षधर क्यों बिफर जाते हैं? हाल ही में हमने लखीमपुर में भी देखा कि कैसे एक पत्रकार के सवाल पर केंद्र राज्य मंत्री उनके साथ बदसलूकी पर उतर आए थे। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।